गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी एनवायरनमेंट के बारे में, वहां पर मैंने रोक दिया था। आज हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, उससे आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट, जैसा कि इसको हम सभी जानते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इस एनवायरनमेंट की उत्पत्ति जो है फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेल, फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेल से हुई है, और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। हम लोग इसको समझेंगे, पर्यावरण का मतलब पर प्लस आवरण, पर मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण का मतलब घेरा। जो हमारे चारों तरफ का घेरा है वो क्या है? वो हमारा पर्यावरण है। हमारे चारों तरफ का घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और अगर हम देखें हमारे चारों तरफ के घेरा में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सब के बारे में बात करें तो ये आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पर्यावरण के घटक, यानी पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परि प्लस पर्यावरण, यानी हिंदी पर्यावरण कहते हैं इसको, शाब्दिक इसको अगर तोड़े इस शब्द को तो परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो घेरा है वो चीज क्या कहलाती है? पर्यावरण। यानी कुछ भी हमारे आपके तरफ चारों तरफ हम देखते हैं, हमें जो भी चीज दिखाई देती है वो सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ओके, आगे हम इस पर्यावरण के घटक के बारे में टू द पॉइंट आते ही कि जो एग्जाम वगैरह में आएगा उससे रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण के घटक या फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, हम जानते हैं फैक्टर्स या पर्यावरण के घटक एक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एबायोटिक। दूसरा क्या होता है? बायोटिक फैक्टर। इसको हम अजैविक घटक भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है? जैविक घटक। यानी एनवायरनमेंट के दो होते हैं हमारे फैक्टर, मेन आपका एबायोटिक या इसको अजैविक या इसको भौतिक भी बोल सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। ओके, और दूसरा हमारा होता है बायोटिक या लिविंग या जैविक घटक होता है। अब बात करते हैं अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक का एग्जांपल क्या है? जितनी भी चीजें हमारे जो चारों तरफ दिखती है, जो नॉन लिविंग है, लाइक आपका माउंटेन है, रॉक्स है, आपका जो है वाटर है, लाइट है, विंड है, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं? एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। बायोटिक फैक्टर में मेनली दो चीजें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? दो चीजें होती हैं बायोटिक फैक्टर में। एक क्या होता है? एनिमल। और दूसरा क्या होता है? प्लांट। एनिमल और प्लांट दो चीजें आती हैं, यानी इसको बोलते हैं जंतु और ये होते हैं हमारे पौधे। यानी हमारे चारों तरफ जो चीजें दिखती हैं, जो जितने भी लिविंग बींग हैं, यानी एनिमल है या प्लांट है, ये दोनों हमारे बायोटिक फैक्टर में है। और हमारे चारों तरफ जो विंड है, हमारे चारों तरफ जो लाइट है, हमारे चारों तरफ जो टेम्परेचर है, हमारे चारों तरफ जो डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या होती हैं? सब एबायोटिक फैक्टर में आती हैं। ओके, अब कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि इसमें जो है आपको मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहीं कहीं बायोटिक फैक्टर में हमें देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। बता देते हैं, वो एक्चुअल में अलग ना होकर इसी का ही पार्ट है। सूक्ष्म जीव मे बी फ्रॉम प्लांट, मे बी फ्रॉम एनिमल,
कहीं अलग से नहीं है, वो इसी का ही पार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो प्लांट होगा या आपका एनिमल है। लेकिन कई जगह इसको कैटेगराइज करके अलग कर देते हैं, अलग से सूक्ष्म जीव को दिखाते हैं कि बायोटिक फैक्टर है, बट इट इज पार्ट ऑफ प्लांट, आइदर प्लांट और एनिमल, इन्हीं दोनों में से किसी एक का ये पार्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं इस सीधे अपने पॉइंट पर आकर एबायोटिक फैक्टर को लेकर, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एबायोटिक फैक्टर को हम देखते हैं इसमें भी हमने आपको बताया कि टेम्परेचर है, लाइट है, माउंटेन है, जो भी चीजें आपके चारों तरफ जो नॉन लिविंग है, इट कम्स अंडर द एबायोटिक फैक्टर। अगर हम इसको अगर डिवीजन के हिसाब से सिस्टमेटिक अगर हम पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं इस एनवायरमेंट को फिजिकल एनवायरमेंट है, एबायोटिक फैक्टर को हम देखते क्या बोलते हैं, इसको कितने में डिवाइड करेंगे, जैसे आपका एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीन आपके पार्ट, एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसको वायुमंडल, इसको जलमंडल एंड दिस इज कॉल्ड स्थलमंडल, इसको स्थलमंडल बोलते हैं। मेनली तीन आपके जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये मेन थ्री फैक्टर हैं एबायोटिक फैक्टर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं, वायुमंडल की बात करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा वायुमंडल को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है, तब हम लोग जलमंडल और स्थलमंडल पर, इनमें से वायुमंडल से बहुत क्वेश्चन आते हैं डिटेल में, इनकी लेयर क्या है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ दीज लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर, सो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक एक करके वायुमंडल के बाद जलमंडल, जलमंडल के बाद स्थलमंडल, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, हम जानते हैं जो अर्थ है हमारी, जैसे ये हमारा अर्थ पृथ्वी, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, ये सब क्या है हमारे चारों तरफ गैसों का घेरा है। वायुमंडल क्या है, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का घेरा होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ वायुमंडल, एंड दिस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, एंड ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा कई भागों में डिवाइड होता है। तो हम इनको मेनली पांच लेयर्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारा जो ये चारों तरफ है, घेरा चारों तरफ आपका ऐसे ऐसे रहेगा, लेकिन हम इसको एक तरफ बताएंगे ताकि समझने के लिए, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है, ये जो पहली लेयर होती है अर्थ के, यानी यहां पर जिसको बोलते हैं क्रस्ट, अर्थ इज डिवाइडेड टू थ्री, इसको भी अर्थ को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ये क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड मेंटल, एंड द लास्ट इनसाइड जो सबसे अंदर होता है दैट इज कॉल्ड कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। पृथ्वी को भी हम जो तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, देन एटमॉस्फेयर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स, तब एटमॉस्फेयर भी हमारा पांच लेयर में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर,
सेकेंड लेयर इज कॉल्ड थर्ड इज कॉल्ड मेसोस्फीयर दिस इज मेसोस्फीयर थ्री लेयर्स स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर द नेक्स्ट वन इज आयनोस्फीयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फीयर इसे बोलते हैं शोभमंडल दिस इज कॉल्ड इसे समताप मंडल मध्यमंडल आयन मंडल वायुमंडल या बहिर्मंडल भी बोलते हैं। ये पोर्शन जो एटमॉस्फेयर का जो फाइव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमको इसे एक एक करके समझ लेना है। तो सबसे पहले जब हम यहां बात करते हैं द हाइट ऑफ दिस ट्रोपोस्फीयर, यहां पर हाइट हम जानते हैं जब पृथ्वी के जब हम ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारी अर्थ है अर्थ को हम जानते हैं यहां पर तीन भाग में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द अर्थ इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स मीन्स सबसे पहले थ्री पार्ट नहीं, अगर सबसे पहले हम समझे दो भाग हैं, एक ये नॉर्थ रीजन साउथ रीजन, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इसको बीच से डिवाइड करते हैं। दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी में इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके बाद ऊपर जो है हमारा ये जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहां दक्षिणी गोलार्ध में भी एक जाता है, ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसे बोलते हैं कर्क रेखा। दिस इज कॉल्ड मकर रेखा और ये आपका विषुवत। ओके, सो अर्थ को भी हम क्या करते हैं दो रीजन में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ रीजन साउथ रीजन, और इस पर एक इमेजिन करते हैं थ्री लाइंस का। ये आपका जीरो डिग्री पर, ये आपका 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आल्सो, ये 23.5 डिग्री पर जो ये जाती है। ओके, इसी तरह से हम यहां पर हम बात करते हैं हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर की। यहां पर हम क्या पहले हम बात करते हैं अर्थ में, यहां पर क्या आपका नॉर्थ कोन और दिस इज साउथ कोन। ओके, ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब जब हाइट की बात करते हैं हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर की जब बात करते हैं तो अर्थ की जो क्रस्ट से जो जिसे भूपर्पटीय बोलते हैं उस क्रस्ट से इसकी हाइट होती है 0 to 18 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, 0 to 18 किलोमीटर। अब इसके बाद 18 किलोमीटर का मीन्स जीरो इस क्रस्ट से लेकर और ऊपर 18 किलोमीटर, बट दिस 18 किलोमीटर इज हाइट अबव द ओनली अबव द इक्वेटोरियल लाइन, विषुवत रेखा के ऊपर। जब ये अगर अर्थ ये हमारी है तो जो सेंटर में विषुवत रेखा जा रही है इस विषुवत रेखा के ऊपर ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है अप टू 17 to 18 किलोमीटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ पोल, जब हम नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो हाइट यहां पर जो है इसकी घटती है, द हाइट डिक्रीजेस एंड विच कम्स अप टू 8 किलोमीटर। यानी अगर हम ध्रुवों पर बात करें तो इस ट्रोपोस्फीयर की हाइट अप टू 8 किलोमीटर, यहां पर भी अप टू 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, एंड
80 इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सेंटर से जो जाती है यहाँ पर 18 किलोमीटर तक होती है। ओके, इस एटमॉस्फेयर का जो 99% जो है बायोस्फीयर, दिस इज प्रेजेंट इन दिस ट्रोपोस्फीयर, यानी 99% जो है एटमॉस्फेयर जो है हमारा जो बायोस्फीयर होता है वो हमारा इसी में, बल्कि आप ये कह सकते हैं इसको बायोस्फीयर की जब बात करते तो 100% भी आप कह सकते हैं यहीं पर आपका पाया जाता है। टोटल अगर आप बात करते हैं इसमें तो जितनी भी है इसमें जो एटमॉस्फेयर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती वेदर से संबंधित सब इसी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर में टोटल जो है यहीं पर पाई जाती है। और इस ट्रोपोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट से बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर 165 जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या करते हैं, जब ऊपर किलोमीटर में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का ताप अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करें तो घटने लगता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारा घटने लगता है। अब यहां पर हम अगर और बात करें यहां पर तो क्या देखते हैं कि जेट वायुधारा जो है यहां पर इसमें प्रभावित होती है, जेट वायुधारा यानी इसमें प्रवाहित होती है ट्रोपोस्फीयर में। इसके बाद एक और चीज है, हमारा जो है जो सन, यहां से जो सनलाइट आती है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एंड इट गोज टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेवलेंथ, यानी लघु किरणों के रूप में आती है और लॉन्ग जो है पार्थिव किरणों के रूप में ये जाती है। तो लघ किरणें यहाँ आ तो जाती है एटमॉस्फेयर इनको आने देता है लेकिन जो है यहाँ पर लॉन्ग वेव जो है ऊपर जा नहीं पाती है पूरी तरह से, यानी यहाँ रिफ्लेक्ट होकर पूरी तरह से जा नहीं पाती है। इसके पीछे क्या है देखते हैं, यहाँ पर जो है ये जो लेयर है ये लेयर इसको जाने नहीं देते हैं, रोकते हैं, पूरी तरह से नहीं जाने देते हैं, रोकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान यानी इसके अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एंड दैट टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग। ओके, सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक और हम घटनाएं देखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना भी यही इसी ट्रोपोस्फीयर के जो ऊपर यहाँ पर जो लेयर है यहाँ पर क्या होता है कि जो डिफरेंट गैसेस लाइक स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में निकलती हैं विभिन्न कारणों से, लेकिन उनमें से जो मेन है कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है कि दिस इज मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये यहाँ पर हम देखते हैं जहां पर आपका ये ट्रोपोस्फीयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर से डिवाइड होता है यहाँ पर इसके नीचे की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है और डिपॉजिट हो जाने से लॉन्ग वेवलेंथ की जो किरणें हैं इसको ऊपर नहीं जाने देती है, ये ऊपर जाने नहीं देती है, लॉन्ग वेवलेंथ की जो है किरणों को ऊपर जाने नहीं देती है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर यहाँ पर डिपॉजिट होती है इस लेयर में। इसको यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर से मिलती है, दिस इज कॉल्ड ये जो मोटा है ये कहलाता है आपका ट्रोपोपॉज, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिटेड एंड फॉर्म ए लेयर, यहाँ पर डिपॉजिट होती है एंड लेयर बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जितनी भी एक और चीज है कि ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पर जल है जो वाटर वेपर है ठीक है धूल वगैरह जो डस्ट पार्टिकल है सब यहीं पर डिपॉजिट होते हैं, सब ज्यादातर जो है इसी में यहीं पर इसी लेयर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर ये आपका इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर मीजोस्फीयर से मिलता है ये कहलाता है, दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, दिस इज कॉल्ड मीजोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर हम देखते हैं यहां पर क्या है इसका जो है
अब देखते हैं कि प्रारंभ इसका तापमान जब यहां से आता है तो स्थिर रहता है। इसकी हाइट जो होती है यहां से लेकर 50 किलोमीटर तक, इसकी हमने पढ़ी थी 0 से 3 और 0 से 1 से 3। यहां पर हम क्या देखते हैं, ये लगभग आपका 50 किलोमीटर तक इसकी जो है हाइट होती है, 50 किलोमीटर तक। स्टार्टिंग में इसका जो है टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और एक खास चीज जो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटोपॉज होती है, यहाँ पर एक बहुत ही कई बार लगभग सभी जगह पूछा जाता है क्वेश्चन, ओजोन लेयर O3 ये फार्मूला है आपका ओजोन का, ओजोन का सिंबल है O3 जो है, ये O3 आपका जो है ये फार्मूला, ये आपका क्या है, ये ओजोन, इस O3 मीन्स ओजोन, और ये जो है यहाँ पर डिपॉजिट रहती है, ओजोन लेयर यहाँ पर स्ट्रेटोपॉज के नीचे पाई जाती है। इसकी हाइट लगभग आपका जो है 15 से, जो 50 किलोमीटर है ये इसकी हाइट, इस 50 में से 15 to 35 किलोमीटर तक ये जो आपका क्या होता है, दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। एंड यू नो दैट ओजोन लेयर जब यहाँ पर सनलाइट से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, तो ये अल्ट्रा ओजोन लेयर क्या करती है, इस अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है नीचे नहीं आने देती है। एंड अल्ट्रा वायलेट रेज दैट इज वेरी मच हार्मफुल, एंड इन अगर ये नीचे चली जाती है तो इट तमाम सारी डिजीजेस, ये इट कॉजेस लाइक कैंसर, कैंसर तक भी जो है हानिकारक जो है, स्किन कैंसर, स्पेशली स्किन कैंसर जो है ये काज करती है यहाँ पर अगर आ जाती है। और ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका कंटेंट, वहां पर ये पाया भी गया था कि इसका जो है थोड़ा सा जो है छिद्र होने पर उस महाद्वीप पर, उस कॉन्टिनेंट पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर थोड़ा सा छिद्र होने पर जब अल्ट्रा वायलेट रेज इस छिद्र से होकर नीचे, छेद से होकर नीचे गई थी, तो उस एरिया के जितने भी जो है फिश वगैरह थी, तमाम सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो सब डेड पाए गए थे। तो दीज आर अल्ट्रा वायलेट रेज इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द लिविंग। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रोकने का काम करती है, और यहाँ पर इसकी वजह से, O3 की वजह से, उपस्थित की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ तक आते हैं तेजी से बढ़ता है। ओके, अब इसके बाद इसकी जो मोटाई भी हम डॉप्सल में नापते हैं ओजोन लेयर की। इसके बाद जो थर्ड आता है आपका मध्यमंडल आता है, ठीक है, मध्यमंडल। यहां पर हम देखते हैं मध्यमंडल में इसका तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटने लगता है, और किसी भी मौसम से संबंधित घटनाएं यहां पर नहीं होती हैं, और लगभग टेम्परेचर माइनस, घटते घटते -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये पहुंच जाता है। ओके, टेम्परेचर यहां तक लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं, ऊंचाई लगभग आई तक की बात करें तो 80 किलोमीटर तक जो है आपकी ये होती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो है आयनोस्फीयर की, हम या आयन मंडल की हम यहाँ पर बात करते हैं। इस मंडल में, यहां पर हम आयन मंडल की जब बात करते हैं, आयनोस्फीयर की बात करते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। तेजी से वृद्धि होने का कारण क्या है, यहाँ पर तमाम सारे विद्युत आवेशित कण यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर में तेजी से वृद्धि होती है। इसकी भी ऊंचाई लगभग होती है आपकी, अब बात करें तो 80 किलोमीटर हमने यहाँ बात की, 80 से लगभग यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर इससे लगभग 640 किलोमीटर तक यहाँ पर इसकी हाइट होती है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है, अभी हमने बताया आयन मंडल इसको बोलते हैं, विद्युत आवेशित कण इसमें पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो जैसे कहीं पर हम देखते हैं, जो आप देखते हैं रेडियो वेव्स टावर वगैरह है, इनसे जो रेडियो वेव्स जो निकलती हैं, वो रेडियो वेव्स इस आयनोस्फीयर के द्वारा यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेजी जाती है। ये रेडियो वेव्स जो है यहाँ से जो है अर्थ को भेजी जाती है, और अर्थ को भेजने पर हमारा जो बेतार का जो संचार, बेतार संचार का माध्यम है, वह यहाँ पर इस आयन मंडल के द्वारा यहाँ पर काम करता है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इसके ऊपर एक्सोस्फीयर में जाते हैं, एक्सोस्फीयर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 640 जो किलोमीटर हमने यहाँ पर आता है, ये 640 किलोमीटर इसके ऊपर का जितना भी है ये एक्सोस्फीयर और बहिर्मंडल या वायुमंडल कहलाता है, अंतरिक्ष इसके ऊपर के जितना है सब अंतरिक्ष आपका कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम का घनत्व जो है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज मच मोर इन दिस लेयर एक्सोस्फीयर एंड यहाँ पर और दूसरी इसकी डेंसिटी है, लेकिन बाकी जो वायु यहाँ पर धीरे धीरे अभी तक हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे डेंसिटी घटती जा रही है और यहाँ पर जो वायु है अत्यंत विरल, ठीक है, या लो डेंसिटी की यहाँ पर एयर हो जाती है, बहुत ही कम डेंसिटी इसकी यहाँ पर होती है। तो दिस इज अबाउट द, ये जितना भी सब कुछ है अबाउट द एटमोसफियर एंड द एटमोसफियर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। तो आज हम केवल एटमोसफियर तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर की बात करेंगे एंड देन आफ्टर एबायोटिक फैक्टर ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द एटमॉस्फेयर। थैंक यू।